मिसाल है इसका बड़ा जबरदस्त ये कि अगर आप मुशाबुद्दावात बनना चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं कि अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल किया करे, और मुशाबुद्दावात बनना ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का एक बहुत बड़ा मनसब है। और दूसरा फायदा इसके इसके अंदर जो है तस्खीर खल्क, और तीसरा इसके अंदर कसावत कलब, किसी को है दिल सख्त है, दिल सख्त है, आंखें पथरा गई हैं, आंसू टपकते नहीं, दिल रोता नहीं। और एक इसमें खूबी है कि अगर किसी को हाजत है, कुछ जरूरत है और वो चाहता है मेरी हाजतें रुका ना करें, मेरे काम रुका ना करें। और एक इसका फायदा ये कि इंसान जो ये चाहता है कि जिंदगी के अंदर कोई नागवारियां पेश ना आए, ना खानदान में, ना बीवी बच्चों में, ना आम माहौल में, दफ्तर में इधर उधर कोई नागवारियां पेश ना आए। अगर फलदार दरख्त फल नहीं दे रहा जी वो, या ये कि औरत है बांझ है, औलाद नहीं हो रही जी, और ये औलाद का मसला घर घर में बहुत है जी। और मजे की बात एक और कि अगर मर्द के अंदर नक्श है, बाज़ स्पर्म प्रॉब्लम मर्द के अंदर होता है जी, उसको ये पानी दम करके पिलाए, अल्लाह तबारक वताला उसका स्पर्म का प्रॉब्लम भी हल कर देंगे। रहीम जो नाम है, रहीम यरहमु बाब सामिया यस्मो से है, इसका मान निहायत रहम करने वाला। और ये कुरान करीम में ये नाम जो है 114 मरतबा आया है, बाज मुकर्रात को शामिल करें तो 123 मरतबे भी बन जाता है, वरना 114 मरतबा इसका तस्कर आया है। तो इससे ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है, और इसके बड़े अजीब व गरीब औसाफ हैं। जहाँ तक इसके फजाइल फवायद का ताल्लुक है, तो एक फायदा इसका बड़ा ज़बरदस्त ये कि अगर आप मुशाबुद्दावात बनना चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊँ कि अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल किया करे, और मुशाबुद्दावात बनना ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का एक बहुत बड़ा मनसब है, अल्लाह किसी को उसको नवाजते हैं, तो रहीमियत के अंदर ये शान मौजूद है कि ये आपको मुशाबुद्दावात बना सकता है। सुभान अल्लाह। हाँ, उसका तरीका ये है कि रोजाना 1000 मरतबा किसी एक नमाज के बाद, रोजाना 1000 मरतबा इसका विरद करना है, या रहीम हूँ, या रहीम हूँ, या रहीम हूँ। अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूशी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी, और 1000 मरतबा को रोज का विरद करें या रहीमों का, तो अल्लाह तबारक व ताला 90 दिन की लिमिट रखें कि 90 डेज मैंने करना है, अल्लाह तबारक व ताला की नजर करम पड़ गई, उसकी रहीमें जाहिर हो गई, तो आपको मुशाबुद्दावात बना देगा। फिर आप अपने लिए और गैरों के लिए जिसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला उसको शर्फ कबूल बख्शेंगे। ये जबरदस्त फायदा, कितना अजीम तोहफा है, अजीम तोहफा है। और दूसरा फायदा इसका इसके अंदर जो है तस्खीर खल्क, यानी मखलूक आपसे मोहब्बत करे, आप पर मेहरबान हो जाए, उसकी इसमें बड़ी तासीर है कि फजर की नमाज के बाद रोजाना 101 मरतबा, बस कुछ ज्यादा नहीं, 101 मरतबा रोज आपने इसका दो मिनट की बात भी नहीं है पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है और अल्लाह से दुआ कर लेनी है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अल्लाह तबारक व ताला की रहीमियत जाहिर होकर आप पर नशावर होगी, और फिर अल्लाह मखलूक की नजर में आपको महबूब कर देंगे, तो वह कि तस्खीर खल्क आपको हासिल हो जाएगी, हर बंदा जो आपको देखेगा आप पर मेहरबान हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, ये इसके अंदर खूबी मौजूद है। और तीसरा इसके अंदर कसावत कलब, किसी को है दिल सख्त है, दिल सख्त है, आंखें पथरा गई हैं, आंसू टपकते नहीं, दिल रोता नहीं है, सख्त दिल हो जाता है, बाद घरों के अंदर भी बहुत सी शिकायत करी, मियाँ का बड़ा सख्त दिल है, अब्बा का बड़ा सख्त दिल है, तो कोई भी सख्त दिल वाला हो उसके लिए जबरदस्त तासीर इसमें। उसका तरीका अगर उसके नाम के आदाद निकाल ले उस बंदे के तो बेस्ट है, मतलब मेरा नाम मुनीर अहमद है, मुनीर के 300 और अहमद के 53 353 बन गए, अगर नाम के आदाद पता नहीं तो फिर 125 मरतबा पढ़े, 125 मरतबा पढ़ के, और ये फजर के बाद पढ़ना है, 125 पढ़ के उस बंदे पे दम कर दें, अगर दम करना मुमकिन है, नहीं मुमकिन तो तसव्वुर में फूंक दें, पानी पे दम करें और वो पानी किसी तरह उसको पिला दें, उसके खाने वाने में शामिल करें, और ये 71 डेज पाबंदी से कर लें, अल्लाह उसके दिल को नरम और मेहरबान कर देंगे। सुभान, ये बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि दिल के नरमी जिसको मिल गई तो वहीं ईमान और इखलास का बीज जो है वो अपना पिन अपने लगता है। और एक इसमें खूबी है कि अगर किसी को हाजत है, कुछ जरूरत है और वो चाहता है मेरी हाजतें रुका ना करें, मेरे काम रुका ना करें, और होता है बाज दफा एक हाज पूरी होगी, दूसरी अटक गई, दूसरी पूरी, तीसरी अटक गई, उसके के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि फजर के बाद 555 मरतबा पढ़ना है, 555 मरतबा पढ़ के अपनी जो हाजत सामने उसकी नियत कर लें, और जो सामने नहीं है कि अल्लाह तेरे इलम में क्या क्या पेश आने वाली है सबकी नियत करके मैं दुआ करता हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर हाजत से गनी कर देंगे, मतलब कोई हाजत आपकी रुकेगी नहीं, अपने वक्त पे पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जबरदस्त तसील, क्या नुस्खा है, माशाल्लाह, क्योंकि रहीमियत की अजीब रहीमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे अहले इस्लाम पे जाहिर करते हैं। और एक इसका फायदा ये कि इंसान जो ये चाहता है कि जिंदगी के अंदर कोई नागवारियां पेश ना आए, ना खानदान में, ना बीवी बच्चों में, ना आम माहौल में, दफ्तर में इधर उधर कोई नागवारियां पेश ना आए, तो इसम को या तो कसरत से पढ़े, या रहीम हूं हर वक्त का विर्द रखे, और या ये कि रोजाना 101 मरतबा किसी एक नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम कर दिया करे, इंशाल्लाह किसी किस्म की जो है नागवारियां पेश नहीं आएगी। या बस औकात इंसान दफ्तर से चलता है, सोचते यार मैं घर जा रहा हूं, घर में कोई ऐसे नागवार हालात नजर ना आए, दिल खुश हो जाए घर में एंटर होकर, तो वो या रहीम पढ़ते हुए आए, या घर से जा रहा है ऑफिस की तरफ, दुकान की तरफ, यार ऐसे कोई हालात दिन में पेश ना आए कि दिल यार उदास हो जाए, तो या रहीम पढ़ते हुए जाए, इंशाल्लाह वहां भी खुशबाश रहेगा और घर में आए तो घर में भी खुशहाली देखेगा। तो मतलब ये इसके अंदर ये खूबी मौजूद है।
और एक यह है कि अर रहमान अर रहीम, ये दो नाम, इन दो नामों का कसर से विर्द करते रहे तो अल्लाह तबारक वताल इस शख्स को हर वक्त अपनी रहमत के साय में रखेगा। और जब अल्लाह अपनी रहमत के साय में रखेगा तो फिर आप समझ सकते हैं दीन दुनिया के सारे काम आपके किस तरह होते चले जाएंगे, बस फिर तो कोई रुकावट आने की देश ही नहीं है। ये इसमें तो खूबी। और जहां तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, ख्वाब में अगर ये लफ्ज देखा या सुना तो इसका यह है कि इसका मतलब अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में इसकी किफायत करेंगे और दुनिया में जो नेकियां कर रहा है ये नेकियां इसकी कबूल हो जाएंगी, ये इसकी बशारत है। और दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में इसको दुश्मनों से महफूज रखेंगे, जो भी दुश्मन इसको ईजा दे रहे हैं दुश्मनों से महफूज रहेगा और आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला इसको सुरखुरु कर देंगे। अच्छा, एक और फायदा रह गया, वो फायदा बहुत जबरदस्त, वो ये है कि अगर फलदार दरख्त फल नहीं दे रहा जी, वो या ये कि औरत है बांझ है औलाद नहीं हो रही जी, और ये औलाद का मसला घर घर में बहुत है जी, उसके इसमें बड़ी जबरदस्त तासीर है। एक कागज का टुकड़ा लें जो एक इंच चौड़ा और एक इंच लंबा और डब्बे की शक्ल में जी, उसके ऊपर ये नाम लिख रहे अर रहीम जी, लिख के एक गिलास पानी के अंदर वो कागज डाल दें, काली रोशनाई के साथ लिखना जी, लिख के उस कागज को उसके अंदर डाल दें और जो है 71 टाइम अर रहीम अर रहीम अर रहीम का विर्द शुरू कर दें। विर्द करके उसके ऊपर फूंके, वो पानी का जो नाम है वो भी डाल कितनी देर में हो जाएगा, आपने दम भी कर दिया अव्वला की 11 मरतबा दूसरी के साथ, तो वो जो बांझ औरत है जिसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो उस पानी को पी रहे 90 डेज की नियत से अमल शुरू कर दे, इंशाल्लाह उसका बांझपन जो भी उसका नक्श खत्म हो जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला साबे औलाद कर देंगे। सुभानअल्लाह। और अगर दरख्त का मामला है तो दरख्त की जड़ में वो पानी डाल दे जी, तो वो फलदार हो जाएगा। और मजे की बात एक और कि अगर मर्द के अंदर नक्श है, बाज़ स्पर्म प्रॉब्लम मर्द भी के अंदर होता है जी, उसको ये पानी दम करके पिलाएं, अल्लाह तबारक व ताला उसका स्पर्म का प्रॉब्लम भी हल कर देंगे और वो औलाद के काबिल हो जाएगा। मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपने हमें कामयाब तरीन जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला बताया है, यही बात है ना। और इसमें इस फॉर्मूले में सिर्फ जिंदगी की बात आपने नहीं की, आपने दूसरी दुनिया की भी बात कर दी, यानी अल्लाह के करीब होने की भी बात कर दी आपने। तो अगर कोई, जैसे आपने बताया कि 125 दफा अगर पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आपने बताया 125 दफा, या फिर आपने बताया नाम नाम के हिसाब से, ठीक है। तो अगर कोई 125 दफा फजर के वक्त पढ़ के अपनी, या लेट्स से कि 1000 दफा फजर के वक्त पढ़ के रोजाना अपनी ये सारी दुआएं कर ले, तो क्या क्या काफी नहीं है? असल में आप लोग जो है ना मल्टीविटामिन्स के आदि हैं जी, इसलिए आप रोज इकट्ठा पढ़ ले सब कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, मांग सकते हैं, मांग सकते हैं आप इकट्ठा 125 पढ़ के उसमें सारी नियतें कर लें जी। लेकिन बात वही है कि मल्टीविटामिन्स अपनी जगह है, लेकिन एक अकेला जब विटामिन सी इंसान खाता है उसकी पावर अलग है, ठीक है ना। होता यह कि असल में बुजुर्गों ने लिखा है कि असल में जो 3-4 नियतें इकट्ठी करके जब आप पढ़ते हैं जी, तो या तो इंसान का फोकस इतना मजबूत हो कि सारी नियतें उसको मुस्ताजर रहे पढ़ते में जी, और सारी रहती नहीं है जब जी, बाज आजते उसको वो चमकती रहती दिमाग में जी, उस पर ज्यादा असरअंदाज होगा और जो मुजमिल रहेगी उस पर कम होगा, ये ध्यान में रखें। मैंने अमेरिका में रहने वाली इस दुनिया के लिए आपसे क्लेरिफिकेशन ले लिया है, बिल्कुल ठीक है, मैंने क्लेरिफिकेशन ले लिया कि कैसे करना है, क्योंकि यहाँ वक्त की कमी है लोगों के पास, और लोग यही चाहेंगे कि अगर हम एक ही दफा में सब कुछ कर लें, आपने क्लेरिफाई कर दिया, अब सब इनके अपने ऊपर है कि वो क्या करें। मैं सिर्फ इतना एक चीज और पूछूंगा इस सिलसिले में, या अल्लाह अर रहमान अर रहीम, हमारे तीनों जो सेगमेंट हैं प्रोग्राम के उनको साथ मिला दिया, ऐसे ही है ना, अगर मिला दें तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, फायदा है ज्यादा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह कि बार अपने अपने, क्योंकि असल में होता ही है कि जब विर्द करते, ये बड़ी नुकसान की बात है, जब एक अल्लाह के नाम का बंदा विर्द करता ना जी, वो नाम एक वक्त के बाद उस जो अल्लाह की सिफत रहीमियत है वो बंदे के ऊपर इजलाल फरमाती है। अच्छा, बंदे के ऊपर गोया तारी हो जाती है कैफियत, जब वो तारी हो जाती है तो समझो कि अब मामला बनने लगते हैं। इसलिए जो एक नाम को जब आप लेके चलेंगे तो वो जब उसका इजलाल होगा ना, तो एक नाम वाहिद का इजलाल होगा तो उसका जबत करना भी आसान और उसका नुजूल भी आसान। लेकिन 3-4 इकट्ठे नाम जब आप कर रहे हैं, अब वो इजलाल की जो कैफियत है, उस इजलाल के अंदर जो है वो, क्योंकि अल्लाह के बाद नाम जलाली हैं बाद जमाली हैं जी, तो जलाली और जमाली सिफात आपस में टकराई, तो अब उसको आगे बंदे की कैफियत में संभालना वो आसान नहीं होता। इसलिए जो है बुजुर्गो ने कहा कि एक नाम को पहले एक मंजिल पूरी कर लो फिर दूसरी शुरू कर दो, बहुत इससे जो आसानियां पैदा हो। बहुत मैंने ये सारी क्लेरिफिकेशन तमाम दुनिया में देखने वालों के लिए आपसे ले ली, और आपने बहुत खूब फरमा दिया, सब कुछ मतलब क्लेरिफाई कर दिया आपने। एंड वंस अगेन एज आई ऑलवेज से एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये मामूली बातें नहीं है, ये किताबों में मिलने वाली बातें, ये जैसे आप इसको बयान कर देते हैं ये आप ही का काम है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस।